कर्नल सोनाराम को दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर से नहीं मिलने का समय नहीं मिला और वे बस रिसेप्शन पर अपना बायोडाटा देकर वहां से बाहर आ गए। वहीं बाहर आकर सोनाराम ने कहा, मैं हूं सबसे मजबूत उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में एक एक सीट महत्वपूर्ण होगी, कुछ ताकत मुझे सांसद बनने से रोकना चाहती है और सही समय पर इन सभी ताकतों के नामों का मैं खुलासा करूंगा, ये सब कुछ कहा कर्नल सोनाराम ने। तो आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। तो मैं उसे सवाल पूछा भी, मेरे से कोई मजबूत है मुझे बता दो, मैं बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सर्वे हो रही है, अभी सारी सर्वे कर रहे हैं, और कई कहने लगे, बहुत अच्छी सिस्टम है। तो मेरा तो ये कहना है कि मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आया, करीब 3 लाख वोट में साथ लाए मैं। बीजेपी का जो वोट है वो इंटैक्ट है, जो 3 लाख जो मैं लेके आया आज मेरे साथ, अगर मुझे वो नज़रअंदाज कोई करेगा तो नुकसान। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।